व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी मैं द्रास में हूँ जो कारगिल से 30 किलोमीटर पहले आता है। आप जानते हो कि लास्ट वॉलो आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा भीग गई थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी मेरी। तो मुझे और एक दिन होल्ड लेना पड़ा बिकॉज ऑफ हाई फीवर। तो मुझे तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी मैं द्रास से आज ले पे स्टॉप लूँगी। ऑलमोस्ट पड़ेगा मुझे 250-260 लाइक दैट। द्रास इज़ अ छोटा सा अच्छा सा प्लेस है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बट मैं रूम में ही पड़ी रही है क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, हाई फीवर की वजह से मैं बाहर ही नहीं निकल पाई। दो दिन लगातार यहाँ पे बारिश हुई है, आज निकला है सूरज, अच्छा खासा खुल गया है वेदर। तो अभी मैं निकल रही हूँ। अभी भी मेरे सारे गियर्स गीले हैं, अभी भी मैं शूज़ वगैरह सुखा रही हूँ, यहाँ पे ग्लव्स यहाँ पे सूख रहे हैं, अभी भी पानी है शूज़ में। आज धूप निकली है, दो दिन से बिल्कुल धूप नहीं थी यहाँ पे। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल प्लेस, लुक एट दिस व्यू, ये देखिए। तो अभी मैं निकल रही हूँ, ऑलमोस्ट मैं निकलूँगी यहाँ से 9-10 तक मैं निकल जाऊँगी। ऑलमोस्ट डन एवरीथिंग, पैकिंग एवरीथिंग इज़ डन, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, वरना दो दिन का बहुत बुरा हाल था मेरा। तो चलो मिलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको रोड। चलिए, इस नाम से कोई नहीं है, मैं ही हूँ। होता है बहुत, बाइक ही बहुत हैवी है ये। हाँ, नॉर्मल स्कूटी जैसा नहीं है ये। दे दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बेटर। ओके जी, थैंक यू, जरूर। भाई बहुत दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल ना यहीं से कम लग रहा है, ऊपर जाके पता नहीं क्या होने वाला है। बात बात में सांस फूल रही है यार मेरी। चलो कोई बात नहीं, चलता है ये सब। ले यहाँ से 279 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं शाम तक पहुँच जाऊँगी। सो गाइस, लिटरली मैं भूल चुकी हूँ व्लॉग बनाना, भूल चुकी थी मैं। मतलब क्या यार, क्या जगह है ये। रोड देख रहे हो, zigzag and a different world। मैं जब तक दिख ही नहीं रहा है, मुंडी उठाना पड़ रहा है पूरा। शिमसा विलेज, दिस इज अ शिमसा विलेज। यहाँ पे इतना प्यारा सा मंदिर है, छोटू सा। मुझे तो बचपन वाली ड्राइंग ही याद आ रही है ये देख के, है ना, वैसे ही लग रहा है। सो गाइस, ले यहाँ से 225 किलोमीटर, तो हम सीधे ले में पहुंचेंगे। भाई क्या मज़ेदार रोड है, मैं बता रही हूँ। द्रास से लेके आपको ले तक का एकदम मस्त रोड मिलेगा। आई थिंक पेपर्स चेक कर रहे हैं। सो गाइस, कुछ नहीं है यहाँ पे, इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया है, फ़ोन नंबर लिया है। चलो अभी निकलते हैं। द्रास से लेना 270 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी मैंने फ़ोन नहीं लगाया क्योंकि सिग्नल ही नहीं है इधर, नेटवर्क ही नहीं चल रहा है अभी मेरे पास। लगाया क्योंकि एकदम स्ट्रेट मस्त हाईवे है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसके लिए मैं गूगल मैप क्या करूँगी लेके बोल के मैंने नहीं लगाया। बाकी यार क्या रोड है, मस्त एकदम। और यहाँ से चेकिंग वगैरह शुरू होगी मुझे लग रहा है। अरे ये क्या हुआ, अभी तो तारीफ कर रही थी मैं। अरे सर ले इधर ही है ना, थैंक यू। क्यों उतर रही हूँ ना, तो मेरी बार बार सांस चढ़ रही है। ये क्या है, लद्दाख पुलिस,
ऊपर ही होगा, नीचे तो हो नहीं सकता लद्दाख ले, तो ऊपर ही चलेंगे हम। भाई ले का रास्ता यही है ना? नीचे से ओहो, अच्छा ठीक है ठीक है। चलो भाई, कभी कभी हम भी गलत होते हैं, ऐसा थोड़ी है ना। बेचारे ये भी वापस आए। मतलब जो गलत फहमी हो रही है ना, सबको ही हो रही है, मेरे को ही नहीं। भाई गूगल मैप लगाना पड़ेगा, वाईफाई कनेक्ट करके कुछ करके। अरे वाह मार्केट, यहाँ से थोड़ा रोड कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने गूगल मैप लगा लिया। अब क्या कर सकते हैं, नेट गया तो गया, फिर गूगल मैप लगाना ज़रूरी था। हाँ देखो, कब से निकली हुई हूँ, अभी भी 4.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, मतलब 210 किलोमीटर बचे हैं। भाई साहब कब से राइड कर रही हूँ मैं, अभी भी 210 किलोमीटर बचे हुए हैं। चलो कोई नहीं, पहुँच जाएंगे इसमें। यहाँ पे गाइस इंस्टा अपडेट डालने में भी दिक्कत आ रहा है, नेटवर्क काफ़ी जगह पे है नहीं, और वीडियो एडिटिंग के लिए भी ना प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यार। कल थोड़ा मैं ब्रेक ली थी बोल के मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने एक व्लॉग डाल दिया डे वन का, बाकी बिल्कुल टाइम नहीं है। शाम को हम पहुंच रहे हैं प्लेसेस पे, उसके बाद तो यार जान ही नहीं बचती है बिल्कुल एडिट करने के लिए, हाथ में एनर्जी ही नहीं रहती है। 222 किलोमीटर ले। ये देखो गाइज, अभी टाइम हो गया है 1:30, मोर देन 1:30 हो गया है, और देख रहे हो 185 किलोमीटर बचा हुआ है। सो धूप काफ़ी तेज़ है, ठंडी भी है, धूप भी है ठंडी भी है। अगर गर्मी हो रही है बोल के ग्लव्स निकाला तो ठंडी लग रही है। भाई साहब भयंकर ब्लाइंड टर्न्स है यहाँ पे, हम सामने ज़ीरो विजिबिलिटी, देखना ये देखो सारा रोड ऐसे ही, सामने से कौन आ रहा है पता ही नहीं चलेगा तब तक ना आए। देखो भाई कारगिल, कांगल 24 एंड लेज 186। गाइस सुबह 9 बजे से निकली हूँ, देखो अभी ले 171 दिखा रहा है अभी भी। मतलब सोचो ये पहाड़ में कितना टाइम लग रहा होगा, पूरे पहाड़ ऐसे 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 नीचे से लेके ऊपर चढ़ते जा रही हूँ, पता नहीं और कितना ऊपर चढ़ेगा। और यहाँ का स्काई ना एकदम क्लियर, इतना सुंदर स्काई है ना भाई साहब। मैं तो हरियाणा से आ रही हूँ। हाँ जी सोलो। क्यों ऐसे बोल रहे हो? हाँ कुछ नहीं होता, इंडिया सेफ है थोड़ा बहुत। हेलो सर, जय हिंद। कितना भी हम बोले ना सेफ है, बट यार जो कोलकाता का सीन देखने के बाद तो यार उसके बाद तो आ ही रहा है ना, कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है गर्ल्स के साथ। तो भाई एक बार को टेंशन भी रहता है, घर पे भी लोगों को टेंशन रहता है, अकेली जाती है, तो इससे पहले शाम तक सेफली पहुंच जाओ, चाहे बीच में होल्ड क्यों ना लेना पड़े, जहां हो सके होल्ड लो और शाम तक रुक जाओ। क्या यार अपने कंट्री में डर डर के जीना पड़ रहा है, क्या क्या फ्रीडम है हमें, कुछ भी नहीं सीरियसली। एक फ़ोटो लेने के लिए स्ट्रगल, स्टैंड लगा के लेना पड़ेगा, अभी कोई यहाँ पे रुकेगा भी नहीं फ़ोटो निकालने।
बहुत नीचे से चढ़ के ऊपर तक आए हैं। मतलब क्या है यार ये जगह, फोटो भी इतने मस्त आ रहे हैं ना। और ऐसे ही ऊपर चढ़ के जाना है। यहाँ पे खड़ी है गोल्डी, जल्द से जल्द निकलते हैं, 5-6 बजे से पहले पहुँचना है हमको। ज़ीरो नेटवर्क, कोई 1% का नेटवर्क नहीं मिल रहा है यहाँ पे, एकदम ज़ीरो। जब से चढ़ी हूँ ना ज़ीरो ही नेटवर्क पे है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, ना इंस्टा अपडेट डाल पा रही हूँ ना कुछ हो रहा है। भाई साहब कोई अलग ही दुनिया भाई, मतलब आपको किसी से बचना है ना, आ जाओ भाई इधर। दिख रही है ये रोड गाइस, अगर आप लद्दाख का ट्रिप करते हैं ये रोड ज़रूर कवर करना, जो है कारगिल से ले का, बहुत सुंदर रोड है यार। ब्रो एड स्माइल टू लाइफ, ओ माय गॉड क्या लिखे हुए पता है। और एक कुछ तो लिखा था, इफ यू आर मैरिड गेट डिवोर्स बोल के, मैंने बोला है ये क्या बात हुई यार यहाँ पे तो आगे पीछे कोई नहीं है मेरे, ना पीछे कोई दिख रहा है ना आगे कोई दिख रहा है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा भाई। गला सूख रहा है, पानी पी रही हूँ तो सुसु आ रही है यार। कहीं भी वॉशरूम नहीं है, लिखा था कि 200 मीटर में वॉशरूम है, लॉक्स है वहाँ पे, कुछ भी वॉशरूम नहीं है कहीं। हाँ पेट्रोल पंप लग रहा है मुझे वहाँ पे, अभी पहुँच जाऊँगी फिर भी पेट्रोल फिल करा लेते अब कहीं भी मिले, क्योंकि रिस्क नहीं लेने का, यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला भी नहीं रहेगा। सो गाइज साउथ इंडियन भाई मिले, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सारे राइडर्स रुके हैं यहाँ पे, आगे भी बहुत सारे राइडर्स रुके हैं यहाँ पे, सेल्फी पॉइंट था हमारा। भाई साहब सांस लेने में यहीं से दिक्कत हो रही है, वो भी यही कह रहे थे, आपको हो रही है? मैंने बोला हाँ, तो बोल रहे थे हमें भी थोड़ा हैवी हैवी सा फील हो रहा है। रोड देख रहे हो गाइस कैसा है, हाँ एकदम नीचे की तरफ है। भाई साहब बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करने के लिए। ले पहुँचने में अभी भी 2 घंटे बाकी है, 120 किलोमीटर बचा है यहाँ से ले, और हम पहुँचने तक शाम हो जाएगी, 7 बज ही जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:15। ये गुरुद्वारा है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, बट अभी जा नहीं सकते क्योंकि रात हो जाएगी मुझे पहुंचने तक, भी काफ़ी शाम होने आ गई है, तो मैं आपको ये गुरुद्वारा फिर से दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में।
का व्लॉग आपने देख लिया है। हॉस्टल पहुंचने तक 7 o'clock हो गया, तो सही थी राइड, मस्त एकदम सुपर रोड था। तो 7 बजे तक पहुंच गए, सब अच्छा रहा। बहुत लंबी राइड थी इसके लिए काफ़ी टायर्ड हो गए। सो गाइस, इफ यू लाइक माई व्लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट डे के नेक्स्ट व्लॉग पे। अंटिल देन, साइनिंग आउट, बाय बाय।